इसी बीच रुक करते हैं भोपाल का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें, भोपाल में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। नर्सिंग की छात्रा को एक युवक बरगलाकर अपने साथ ले गया। आपको बता दें, लगातार लव जिहाद के मामले देश भर में आते रहे और अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला सामने आया। 30 मई को उस हिंदू युवती की शादी होनी थी, युवती नर्सिंग की थी, जिसे एक युवक बरगलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों ने युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें, एक युवती को युवक भगाकर ले गया, अपने साथ बरगलाकर ले गया है। उस हिंदू युवती की शादी होने वाली थी और परिजनों ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, परिजन भी कई आरोप लगा रहे हैं, युवक युवती को अपने साथ बहलाकर ले गया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? पूरी अपडेट आपसे लेंगे और परिजनों का क्या कुछ कहना है ये भी सुनेंगे। जी देखिए, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में विशेष तौर से लव जिहाद के मामले कई आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से राजधानी भोपाल में सामने आया है। भोपाल का जो आपका नया बसेरा इलाका है, इस नया बसेरा इलाके में जो हिंदू परिवार रहता है, उस हिंदू परिवार की जो एक बेटी है, उस बेटी के लिए, क्योंकि वो नर्सिंग की छात्रा भी थी, उस बेटी के लिए एक मोमडन परिवार का लड़का उसे बहला फुसला करके भगा के ले गया है। आपको बताने की ये मामला बड़ा पेचीदा रहा है। जब लड़की के माँ बाप के लिए, भाई को इस बात की जब जानकारी लगी कि लड़की के लिए कहीं ना कहीं वो परेशान कर रहा है और लड़की के क्रेडिट कार्ड पर बहला फुसला करके 80,000 रुपए का लोन ले लिया। हालांकि कमलानगर थाने में जाकर के इस बात की जब शिकायत की गई तो पूरा मामला चूंकि लड़की के ऊपर था, क्योंकि लड़की के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, इस बात को लेकर के लड़की के माता पिता राजी हो गए कि उसने जो लोन लिया है वो भरेंगे। लेकिन यहाँ लड़के के माता पिता भी कहने लगे, चलिए हम भर देंगे। और उनका, लड़की के माता पिता का कहना है कि सिर्फ 2 किस्त ही लड़के के माता पिता ने भरी थी और उसके बाद में नहीं भरी, जिसके बाद में फिर ये मामला ठंडा हो गया। लड़की की शादी भी तय कर दी गई थी भोपाल के अशोका गार्डन थाना इलाके में, जो कि हिंदू परिवार है, उसमें लड़की की शादी कर दी गई थी। 30 तारीख को लड़की की शादी होना थी और 18 मई को उसकी लगन जो होते हैं कार्यक्रम वो होना था, लेकिन इसके पहले 15 तारीख को ही लड़की यहां से भाग गई। इसके पहले जब पूरा मामला जब सामने आया तो लड़की के परिवार के लोगों ने उस लड़के को समझाया, लड़की के परिवार वालों को समझाया, लेकिन मामला तब भी नहीं रुका। इसके बाद में जब ये लोग पीड़ित परिवार कमलानगर थाना इलाके में थाने जब पहुंचे जानकारी जुटा करके और उसकी शिकायत करने के लिए, तो उनका आरोप है कि पुलिस ने इनकी शिकायत नहीं लिखी, जिसके बाद में फिर उन्होंने जो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है उनके दरवाजे जाकर की गुहार लगाई। तब सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने थाना प्रभारी यानी जो TI है उनके लिए बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि लड़की को हमें करीबन 3 घंटे में बरामदगी चाहिए। पुलिस ने सांसद के आदेश पर लड़की को बरामद कर लिया और फिर सांसद के सुपुर्द किया। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लड़की को अपने साथ में रखा और उसके बाद में फिर उसे जो केरला द मूवी स्टोरी जो आई हुई थी उसको दिखाने भी ले गई, पिक्चर भी दिखाई लड़की के लिए और फिर लड़की को रात के समय में घर भेज दिया। लड़की घर पहुंच गई लेकिन फिर उसके करीबन 5 दिन बाद फिर लड़की घर से भाग गई और लड़की इस वक्त जो भागी है तो इस वक्त वो जो गहने जेवर रखे हुए थे जो शादी के लिए उन्होंने लिए थे और जो पैसे थे, तो पैसे और गहने लेकर के लड़की उसी लड़के के साथ में फिर से भाग गई है। हालांकि पुलिस ने यहाँ सिर्फ छोटी सी धाराओं में मामला दर्ज किया है। इधर पुलिस ने भी उनको समझाया था लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। एक पुलिस कर्मचारी से भी हमारी क्योंकि बातचीत हुई थी तो उसने बताया था ऐसे ही जानकारी में कि ये लड़की के परिवार को वो पहले से जानता है और उसके पास में ही रहती थी, लेकिन जब उस लड़की को उसी पुलिस कर्मचारी ने जब समझाया तो लड़की ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है। उधर वो अपने माँ के लिए भी धमकी देने लगी कि आप मुझे मार देंगी जान से। आपको बताने की ये लड़की बुर्का पहन करके, पूरा जो मोमडन ड्रेस होती है
वो पहन करके कमला नगर थाने में पहुंची थी। हालांकि अब इधर लड़की के जो माता पिता हैं, भाई हैं, वो काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि जो लड़का है ईशुभ नाम का जो भगा के ले गया, उसका परिवार बड़ा है और करीबन जिस इलाके में वो रहते हैं, करीबन वो इलाका 1000 से भी ज्यादा बड़ी बस्ती का इलाका है और उसमें करीबन 50 से 60% मोमडन जो है वो रहते हैं। साथ ही जो परिवार है, जो लड़के का परिवार है, वो बड़ा परिवार है और लड़की के भाई का आरोप है कि उन्होंने इसे धमकी दी है कि अगर आपने कुछ ज्यादा किया तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। मारपीट की भी उसने आरोप लगाए हैं कि ये मारपीट की हमें धमकी दी है। इधर पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है कि हमें सिर्फ हमारी लड़की चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। इधर पुलिस है कि पुलिस भी अब मजबूर दिखाई दे रही है, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से गई हुई है। लेकिन चूंकि पुलिस का ये भी कहना है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, इधर जब हमारी SP से बात हुई तो चूंकि हमें TV24 के लिए बाइट नहीं मिल सकी SP की, लेकिन SP ने कहा है कि हम उस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और लड़की को तलाश कर रहे हैं, जल्दी ही लड़की को तलाशा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का पूरा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जो केरला द मूवी स्टोरी आई हुई थी, इसको लेकर के बड़ा बवाल मचा था। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मूवी का टैक्स फ्री भी किया था कि मध्य प्रदेश में विशेष तौर से इस मूवी को टैक्स फ्री रहने दो, जिससे हिंदू समाज के ज्यादातर ज्यादा लोग देखें, युवतियां महिलाएं देखें, जिससे जो धर्म परिवर्तन है या लव जिहाद जैसे जो मामले आते हैं, ये इस तरह के मामले ना हो, लड़की बच्चियां हैं वो समझ जाएं, समझें इस मूवी को देख करके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा प्लान सरकार का था वो भी कहीं ना कहीं फेलियर होते दिखाई दिया है, क्योंकि सांसद के साथ में जब वो लड़की पिक्चर देखने के लिए गई और उसके बाद भी उसका जो कहा जाए कि माइंड जो ब्रश किया गया था वो भी ठीक नहीं हुआ और जो उसे जहन में चल रहा था आखिर में लड़की ने वही किया। तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि सरकार भी इतना कुछ कर रही है लेकिन जो आज की युवा है, युवाओं को इस बात की समझ नहीं आ रही है और इधर लोग परेशान हैं। जो मोमडन इलाका है वो सबसे ज्यादा वहां पर जो इलाका है उसमें सबसे ज्यादा मोमडन लोग रहते हैं, मुस्लिम परिवार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी डरे सहमे हुए हैं पीड़ित परिवार और उनको कहीं डर है कि कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो काफी डरे हुए हैं और पुलिस से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नरसिंह के छात्रा को एक युवक बरगला कर ले गया है, एक बार फिर से लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने लगातार युवक पर आरोप लगाया है, 30 मई को उस हिंदू युवती की शादी होनी थी।